सेक्रेटेड डिमोलिश का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। हमारे जो तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री जो आठवें निजाम कहलाए जाते हैं, वो सेक्रेटेड का मॉडल भी एक मस्जिद या एक हजोस उस टाइप का एक मॉडल टाइप का सेक्रेटेड बना रहे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, यानी कई सौ वर्षों से उसी सेक्रेटेड के प्रांगण में एक माता का बहुत ही पुराना मंदिर था और एक मस्जिद था। मुख्यमंत्री जी का जो पर्सनल सेक्रेटरी है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वो ठहर कर इस डिमोलिश कार्यक्रम को अंजाम दे रहे थे। वो उनकी देखरेख में कार्यक्रम हो रहा था। मस्जिद को भी तोड़ दिया गया और मंदिर को भी ढहा दिया गया। आज मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट आता है कि वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई, पता नहीं था और वो टूट गई बोलकर मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट आ रहा है। और भव्य मंदिर हम कहीं ना कहीं एक कोने में बनाएंगे बोलकर मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट है। तो मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहूंगा कि आप भक्ति भावना वाले हैं और यागम ऐसे कई जो सरकारी फंड आप खर्च करके बहुत शोपटप करते, तो मुख्यमंत्री जी क्या आपके पूर्वजों ने ये नहीं बताया कि कोई प्राचीन जो मंदिर होता है, कोई प्राचीन जो कोई वस्तु होती है उसको हाथ नहीं लगाना है? मुख्यमंत्री जी इतिहास देखिए, जो कोई भी व्यक्ति प्राचीन मंदिर को हाथ लगाता है, उसको तोड़ता है, उसका खानदान सर्वनाश हो जाता है। ये इतिहास दर इतिहास में ऐसा होते आ रहा है। तो मुख्यमंत्री जी, मैं नहीं चाहूंगा कि आप और आपके परिवार को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आए, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जहां पर मंदिर थी, जहां पर मस्जिद थी, उसी स्थान पर मंदिर भी बनाया जाए और मस्जिद भी बनाया जाए। और जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, मंदिर और मस्जिद जिन लोगों ने तोड़ी है, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, यह मैं मुख्यमंत्री से डिमांड करना चाहता हूँ।